अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ मिलकर गर्मी के लिए बहुत ही एक रिफ्रेशिंग खीरे का रायता शेयर कर रहे हैं बनाना। आइए इसको बनाना साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ये दही डाल देते हैं, जो कि 1.5 कप है। वजन में देखें तो ये 250 ग्राम है। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। दही भी अच्छी तरह से फिट चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। चौथाई चम्मच नमक है, ये रेगुलर नमक है, ये गया। चौथाई चम्मच ये काला नमक है, ये गया। आधा चम्मच ये चाट मसाला है, ये जाएगा। चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए हमने एडजस्ट करके नमक डाला है। और ये चौथाई चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। ये आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर है, ये जाएगा। ये हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च की चटनी है, इसमें भी नमक पड़ा है। अब ये चटनी 2 चम्मच जाएगी। ये चटनी डालने से रायते का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। चौथाई चम्मच शक्कर डाल देते हैं, इससे बहुत ज्यादा टेस्ट इनहेंस हो जाएगा। अगर आप लोग खाना पसंद ना करें रायते में शक्कर, तो इसको स्किप कर दें। अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आधा कप पानी डाल देते हैं। दही को रखते हैं अभी साइड पर। और ये लिया है हमने एक खीरा, जिसको हमने धो के रख लिया है, और इसको छील लेते हैं। खीरे को छील लिया है हमने, और अब इसको हम एक ग्रेटर से कद्दूकस कर लेते हैं। खीरे को भी हमने कद्दूकस कर लिया है, ये देखिए। और खीरे को हम दही में शामिल कर देते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। देखने से ही लग रहा है कितना बेहतरीन रायता तैयार हो रहा है। रायते को अब हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं और इसके ऊपर एक तड़का लगाते हैं। एक पैन को गरम कर लिया है, और अब हम इसमें ये 2 टेबल स्पून तेल डाल देते हैं। तेल भी अच्छे से गरम हो चुका है। आधा चम्मच ये जीरा डाल देते हैं और 2 पिंच हींग डाल देते हैं, और इनको क्रैकर होने देते हैं। और अच्छी तरह से ये चटकने लगा है, और अब हम इसको रायते के ऊपर डाल देते हैं। और 1 चम्मच से इन सबको मिला देते हैं अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर हम डाल देते हैं, थोड़ा सा भुने जीरे का पाउडर जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर जाएगा, और पुदीने के पत्ते से इसको गार्निश कर देते हैं। देखिए खीरे का रायता बनकर बिल्कुल तैयार है, और इस गर्मी में आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, गर्मी में आपको बहुत राहत देगा। बनाइए, खाइए, और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करिए। अगर रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।